बात को बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने तुम्हें प्रीत मैडम के बारे में बताया है। सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें सब पता चल जाता है। उनके पास एक अजीब सी ताकत है। प्रीत, अगर उन्हें पता लग गया ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम दोनों को कभी साथ ही रहने देंगे, मार डालेंगे हम दोनों को। इससे पहले कि वो कुछ करें, हम करते हैं। प्रीत, तुम कहना क्या चाहते हो? हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? माही, तुम्ही ने कहा था ना कि जब तक प्रीत मैडम जिंदा है हम साथ नहीं रह सकते। माही तो प्रीत मैडम को मर रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है ऐसा कुछ नहीं करेंगे। माही, ऐसी औरत जिसने तुम्हारी धरा की और तुम्हारे आसपास के सब लोगों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, जो किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो अंधेरे से प्यार करती है, अगर माही ऐसी काले दिल वाली औरत को हमने मार भी दिया अपने प्यार के लिए, तो इसमें क्या गलत है? माही, तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन मैं, हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी फिक्र तुम मत करो, सारा का सारा इंतजाम मैं करूंगा। माही और मीत मैडम को मारने वाले हैं। और फिर पता है जीजू, जब मैं उस लबड़ को पकड़ने गया ना, वो वहां से उड़ गया। और प्रीत मैम के ड्रेसिंग रूम पे जो चूड़ियां पड़ी थी ना, वो मुझसे गलती से टूट गई। विवान, तू ठीक तो है? तुझे चोट तो नहीं आई ना? हाँ हाँ जीजू, मैं ठीक हूँ। प्रीत मैम ने डांटा तुझे? धरा ने पूरी गलती अपने सर ले ली। तो मतलब तेरी धरा से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है? पता नहीं जीजू, दोस्ती तो रणधीर के साथ है और धरा से भी है, लेकिन उसके साथ मुझे कुछ अलग ही महसूस होता है। जब भी स्कूल में होता हूँ पूरा वक्त उसी के बारे में सोचता हूँ। और जब मुझे डांट पड़ी तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं खुश भी हुआ क्योंकि वो मेरे बारे में सोचती भी है। ओ, कौन सोचती तेरे बारे में धरा? मेरा समझदार भाई, मुझे हमेशा से पता था कि इतना समझदार होगा। अरे दीदी, आपको क्या हो गया? हुआ मुझे नहीं है, हुआ तुझे। तुम क्या मुझे घूर रहे हो? सब पता चल गया है मुझे। मैं तो सिर्फ नौकरी के सपने देख रही थी, यहाँ तो रिश्तेदारी हो रही है हवेली से। बताओ, देखते ही देखते ना मेरा भाई कितना बड़ा हो गया। क्या हालत देखी अपनी फर्नीचर हालत? और मेरे को देखो, फटे हाल, वही 4 सूट बदल बदल के पहनती रहती हूँ। अच्छा बाबा, हम आज ही चल के तुम्हारे लिए नई सूट लेते हैं। उससे पहले मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दो। आगे अपनी औकात पे, पता था मुझे मैं का शैंपेन के सपने देख रही हूँ और ये चाय पे ही अटका हुआ है। तुम्हारे बस का ना कुछ भी नहीं, मेरे भाई के ही बस का है सब कुछ। विवान, तू परेशान मत हो। जीजू, मुझे तो पता भी नहीं कि धरा मेरे बारे में क्या सोचती है, तो धरा से पूछ ले ना। आप दीदी के साथ रहकर ना पूरे ही पागल हो गए हो, ये क्या समझा रहे हो आप मुझे? और अगर धरा को मैंने ऐसी चीजें बोल भी दी, तो अगर उसने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया तो? देखिए बात, खुल के बात करने से रिश्ते हमेशा सुलझे हुए रहते हैं, नहीं तो वो उलझ जाते हैं। चाहे फिर वो दोस्ती का रिश्ता हो या फिर प्यार का, जानता है प्यार से खूबसूरत चीज ना इस पूरी दुनिया में नहीं है। जब प्यार होता है ना, फिर वो सब कुछ बदल देता है। और प्यार से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। कोई तुम्हारा हाथ तब पकड़े जब तुम अकेले हो। बड़े खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें हाथ पकड़ के चलने वाला मिल जाए। Bye.
आप लोग इतने डरे हुए क्यों? धरा कहाँ है? क्या वो भी मुझसे डरती है? धरा, धरा। जी मैडम। काफी दिनों से हवेली में कोई जश्न नहीं हुआ है। उन दिनों की बहुत याद आती है। कल जश्न मनाते हैं। जश्न मतलब मैडम? क्यों? कल कुछ खास है क्या? हो भी सकता है। जश्न बहुत दर्द छुपा सकता है, पर अक्सर खुशी जाहिर करता है, और मैं बहुत खुश हूं। धरा, कल तुम अपनी फेवरेट ड्रेस पहनना। माही, तुम्हारे लिए। थैंक यू मैडम। धरा, इसके साथ माही को मैचिंग इयररिंग्स भी दे देना। जी मैडम। क्या हुआ? मुझसे कुछ कहना चाहती हो? वो एक काम करते हैं, कल बात करते हैं। मुझे हवेली सजानी है, बहुत काम करना है। तुम लोग अभी जाओ। क्या रही? मैंने तुम्हें कहा था ना, इन्हें बनाने की कोशिश करना। क्या हो मैडम? ये कितनी डरावनी है। तो सुंदर भी? डरावनी चीजें भी सुंदर दिख सकती है। बस देखने की नजरें होनी चाहिए। क्या मैं सुंदर नहीं हूं? धरा, अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे दिमाग में जो डर है वो इन पुतलों में डाल दो। इन पुतलों को बनाने में अपनी जान डाल दो। ऐसे जैसे वो तुम्हारे अपने, ऐसे अपने कि जिससे भी तुम्हें डर हो उसे खत्म करने में वो तुम्हारी मदद करे। तुम मुझे सुन सकते हो। तुम हर वो चीज करोगे जो मैं तुम्हें कहूं। मेरी मर्जी की धरा।
इन पुतलों को जिंदा करने से पहले तुम्हें यकीन करना होगा, तुम्हें भी मानना होगा कि ये असल में जिंदा है। तभी तो वो यूं करेंगे जो तुम इन्हें कहोगे। जब तुम इन पुतलों की ताकत को समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही थी। चलो। मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। धारा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। कोई तो जानता होगा उस लड़के को। क्या चाहिए? वो आपके पास चूहे मारने की दवा है? ये लीजिए। आपको पक्का पता है इससे सब मर जाएंगे? हाँ हाँ, खतरनाक है, इंसान और चूहे दोनों मर सकते हैं। एक मिनट। जी बोलिए। आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी। मेरा बहुत पुराना दोस्त है, यहीं के पास में रहता है, पर मुझे उसका पता नहीं मालूम। ढूंढ रहे हैं उसका। सब कुछ 5'8" होगा, रंग हो रहा है, पर आपसे स्वेटर पहनता है। यहीं के शायद पास में जंगल में रहता है। जी, जंगल में तो आसपास सिर्फ विवान का ही घर है, और आप जैसे कपड़े बता रही हैं वो विमान ही पहनता है, उसका हुलिया भी वैसा ही है। चलिए मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा हूँ। शुक्रिया। धरा, ये इतने गुस्से में क्यों कर रही हो तुम? ये क्लेडोल फिर टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी। मुझे कोई सुंदर डॉल्स नहीं बनानी। हाँ, लोग खूबसूरती से तो धोखा खा जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा तो जीजू कहते हैं, लेकिन अगर साथ मिलकर बनाएंगे तो वो जरूर खूबसूरत निकलेगा। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। क्यों, तुम बहुत खूबसूरत डॉल्स बनाते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर साथ मिलकर बनाएंगे तो जरूर कुछ खूबसूरत बनेगा। माही तो प्लीज मैडम को मरना होगा, जो अंधेरे से प्यार करती है। अगर माही ऐसी काले दिल वाली औरत को हमने मार भी दिया अपने प्यार के लिए, तो इसमें क्या गलत है? विवान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं ये किसी से कह नहीं पा रही, तो सोचा तुम्हें कह देती हूँ। खुल के बात करने से रिश्ते हमेशा सुलझे हुए रहते हैं, नहीं तो वो उलझ जाते हैं, चाहे फिर वो दोस्ती का रिश्ता हो या फिर प्यार का। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। विवान, मैं नहीं। धरा प्लीज पहले मुझे बोलने दो। अब यहाँ तक बोलने की हिम्मत हो गई है, अगर तुम टोकोगी तो ये नहीं बोल पाऊंगा। क्या हुआ?
है कि मैं जो तुम्हें बोलना चाहता हूँ ना वो मैं तुम्हें बोलूंगा, लेकिन मैं तुम्हें देखकर नहीं बोल पाऊंगा। मैं क्या है कि मैं थोड़ा शर्माता हूँ ना, मैं तुम्हें बोलूंगा लेकिन वहां देखकर बोलूंगा। भगवान तुम अरे नहीं नहीं आ रहे हो। वो क्या है कि मैं जब स्कूल में जाता हूँ ना तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा होता हूँ। टेक्स्ट बुक में भी आंसर की जगह तुम्हारा ही नाम लिखा होता है। ऊपर से जब मास्टर जी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, भले ही मुझे आंसर आते हो लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता। और जब मैं हवेली से भी बाहर निकलता हूँ ना, फिर वापस चले जाने का मन करता है, तुम्हारे साथ ही वक्त बिताने का मन करता है। तुम जब हंसती हो ना तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन जब तुम थोड़ा सा भी दुखी हो जाती हो मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ। पता था तुम मुझे गलत ही समझोगी, मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, पता था मुझे। अरे बाप रे विमान, तुम्हें डर भी लगता है? अरे और नहीं तो क्या, दिल जल्दी से धड़कने लगता है, पता है? ऐसी चीजें बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी दिल की बात कह दी, बस यही चाहता था मैं। तुम्हें कुछ कहना नहीं, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी पागल। कितने अच्छे होते, तुम्हें प्यार हो गया है, तुम्हें पता है प्यार का अंजाम क्या होता है? मुझे पता है प्यार का अंजाम क्या होता है।